आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अपने 8 प्रत्याशियों के नाम आज शाम को तय कर सकती है। अंतरिम पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस पर विचार के लिए आज बैठक बुलाई है। पार्टी के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी लंदन से इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भाग लेंगे। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता फिर से राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कतार में हैं। पार्टी 8 राज्यसभा प्रत्याशियों को जिता सकती है। अब देखना होगा कि वह किन नेताओं को संसद के उच्च सदन में भेजती है। अगले माह होने वाले राज्यसभा चुनाव में संभावना है कि कांग्रेस कुल 8 सीटें जिता सकती है। इनमें से ज़्यादातर वह राजस्थान व छत्तीसगढ़ से जीतेगी। बैठक की अध्यक्षता अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी करेंगी। इसमें पार्टी के महासचिवों के भी शामिल होने की संभावना है। पार्टी के दिग्गज नेता पी चिदम्बरम, गुलाब नबी आज़ाद, आनंद शर्मा, विवेक तनखा, अजय माकन, राजीव शुक्ला, मुकुल वासनिक व प्रमोद तिवारी को टिकट मिलने की आस है। हालांकि कांग्रेस उदयपुर चिंतन शिविर के फैसलों के अनुसार स्थानीय नेताओं व अल्पसंख्यक चेहरों को मैदान में उतार सकती है। कांग्रेस ने राजस्थान से 3 राज्यसभा प्रत्याशी खड़े करने का फैसला किया है। 2 तो वह आसानी से जीत जाएगी, लेकिन तीसरी के लिए वह गैर भाजपा विधायकों के समर्थन की जुगाड़ में है। पार्टी ने राजस्थान के लिए 3 सूत्रों का फॉर्मूला बनाया है। इसके तहत किसी विधायक को टिकट नहीं दिया जाएगा और स्थानीय व अल्पसंख्यक नेता को प्राथमिकता दी जाएगी। कांग्रेस शासित इस राज्य से कांग्रेस को 2 सीटें जीतने की उम्मीद है। इन राज्य में एक एक कांग्रेस शासित राजस्थान व छत्तीसगढ़ के अलावा पार्टी को महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक व मध्य प्रदेश से 1 सीट मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें, राज्यसभा के कई सदस्य 21 जून से 1 अगस्त के बीच सेवानिवृत्त होंगे। 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव 10 जून को होंगे। उत्तर प्रदेश में जहां 11 सीटें खाली होंगी, वहीं 6 सदस्य तमिलनाडु के सेवानिवृत्त होंगे। महाराष्ट्र व बिहार से 5-5 और आंध्र प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक से 4-4 245 सदस्य उच्च सदन में अभी भाजपा के 95 और कांग्रेस के 29 सदस्य हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।